अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज में जो आपके हैं चैप्टर 7 के। इसमें चूँकि आपका स्मार्ट सिलेबस है तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लूडेड नहीं है। तो वैसे तो ये करेक्टरिस्टिक्स है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की दो करेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन ये हमारे सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। करेक्टरिस्टिक्स हमें पता है कि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्प्लेसमेंट के, और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो मीन पोजीशन की तरफ होती है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी आपके स्मार्ट सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन बेसिक क्वेश्चन है कि फ्रीक्वेंसी क्या डिपेंड करती है एम्पलीट्यूड पे। तो आप कहोगे नहीं, एम्पलीट्यूड पे फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी जो है वो तो टाइम पीरियड पर डिपेंड करती है, और टाइम पीरियड डिपेंड करता है लेंथ पे। इसका मतलब है फ्रीक्वेंसी जो है वो लेंथ पे डिपेंड करती है, और इसके साथ साथ वैल्यू ऑफ जी पे डिपेंड करती है, ये एम्पलीट्यूड पे डिपेंड नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है, स्मार्ट सिलेबस जो 2020 का है आया है उसमें शामिल नहीं है। कहता है कि कैन यू रियलाइज एन आइडियल सिंपल पेंडुलम, कहता है कि क्या आप आइडियल सिंपल पेंडुलम बना सकते हो। कहता है ना ना, हम नहीं बना सकते, हम आइडियल सिंपल पेंडुलम नहीं बना सकते, क्योंकि आइडियल सिंपल पेंडुलम के जब हमने पढ़ा था सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन, तो उसमें था कि भाई उसकी इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग होनी चाहिए और मास लेस बॉब होनी चाहिए और फ्रिक्शन लेस सपोर्ट होनी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये शामिल है आपके स्मार्ट सिलेबस में। तो 7.4 आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसमें वो कहता है कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद सिंपल हार्मोनिक मोशन इन अ टाइम इक्वल टू इट्स टाइम पीरियड इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज ए। कहता है कि टाइम पीरियड के बराबर जब टाइम गुजरे तो जो बॉडी है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि आपको पता है टाइम पीरियड जो होता है उसमें एक ऑसिलेशन कम्प्लीट होती है, एक वाइब्रेशन कम्प्लीट होती है, यानी कि बॉडी जो है अपनी मीन पोजिशन से जाती है एक्सट्रीम पोजीशन तक, एक्सट्रीम से वापस आती है मीन तक, मीन से फिर जाती है दूसरी एक्सट्रीम तक, तो दूसरी एक्सट्रीम से फिर वापस आती है मीन तक, तो एम्पलीट्यूड का 4 गुना हो जाएगा। पहले वो मीन से एक्सट्रीम तक जाएगी, फिर एक्सट्रीम से मीन तक आएगी, आधी वाइब्रेशन अभी कम्प्लीट हो गई, ए डिस्टेंस कवर हो गया मीन से एक्सट्रीम तक जाने में, ए वापस आने में, फिर ए डिस्टेंस कवर होगा उसको दूसरी एक्सट्रीम तक जाने में, फिर ए डिस्टेंस कवर होगा वापस मीन तक आने में। तो इस तरह एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है, जब एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना होगा 4a के बराबर होगा। और नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 7.5, ये भी शामिल है। इसमें कहता है व्हाट हैपेंस टू द पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इफ इट्स लेंथ इज डबल्ड। कहता है टाइम पीरियड पे क्या फर्क पड़ेगा अगर आप लेंथ को डबल कर दो, तो व्हाट हैपेंस इफ द सस्पेंडेड मैस इज डबल्ड। अगर मैस डबल कर दो तो फिर क्या होगा। तो पहला जो इसका पॉइंट है इसमें है टाइम पीरियड, आपको पता है 2πL/g स्क्वायर रूट होता है, और टाइम पीरियड जो है ये डिपेंड करता है लेंथ पे और वैल्यू ऑफ जी पे, मैस पे डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट ऑफ मैस। तो मैस को डबल करने से टाइम पीरियड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेंथ को डबल करने से फर्क पड़ेगा। तो लेंथ को अगर 2L के बराबर कर देते हैं तो टाइम पीरियड 2πL की जगह पे 2L लिख लो, ओवर जी स्केयर रूट, ये जो 2 से स्केयर रूट है इसको बाहर लिख लो, 2 से स्केयर रूट था L के साथ, ये जो 2 स्केयर रूट था इसको बाहर ले आए, 2πL/g स्क्वायर रूट एज इट इज आ गया। ये जो 2πL/g स्क्वायर रूट है ये टर्म, ये तो टाइम पीरियड के बराबर थी इनिशियल जो था एल लेंथ के, वो टी ऐसे लिख दिया साथ में 2 स्क्वायर रूट, इसका मतलब है जो नया टाइम पीरियड बनेगा वो 2 स्क्वायर रूट टाइम्स इंक्रीज होगा, किसकी निस्बत पहले वाले से। हम कहेंगे टाइम पीरियड इंक्रीज बाई 2 स्क्वायर रूट फैक्टर, या 1.414 टाइम्स इंक्रीज कर जाए। अगर लेंथ 4 गुना हो जाए तो फिर यहाँ पे 4 आएगा, तो 4 बाहर आएगा, और अगर 4 बाहर आएगा 4 का स्केयर रूट लोगे तो 2, लेंथ 4 टाइम्स बढ़ेगी तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। और अगर वो कहे आपको भी लेंथ हाफ हो जाए तो फिर 1/2 स्केयर रूट आ जाएगा टी के साथ,
और अगर वो कहे जो लेंथ है वो एल बाई फोर हो जाती है, इस तरह आपने इन चारों के लिए सॉल्व करना है। डबल लेंथ के लिए भी, फोर टाइम्स लेंथ के लिए भी, हाफ लेंथ के लिए भी, और वन ओवर फोर लेंथ के लिए। तो ये आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं कि अगर फोर टाइम्स लेंथ इंक्रीज हो जाए तो टाइम पीरियड डबल हो जाए, और अगर फोर टाइम्स डिक्रीज हो जाए तो टाइम पीरियड हाफ हो जाएगा। ये बेटा आपने खुद इसको करके देखा। नेक्स्ट है जी हमारे पास 7.6। 7.6 में कहता है डज द एक्सेलरेशन ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कॉन्स्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन, इज द एक्सेलरेशन एवर जीरो। कहता है कि क्या एक्सेलरेशन जो है वो कॉन्स्टेंट रहता है? तो ऐसा तो नहीं है, एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट नहीं रहता, क्योंकि एक्सेलरेशन का फार्मूला हमने बनाया था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये तो एक्स पे डिपेंड करता है। एक्स की वैल्यू अगर जीरो हो जाएगी तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा, इसका मतलब है मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन जीरो होता है, और एक्सट्रीम पे क्या होगा, एक्स की वैल्यू एक्स नॉट के बराबर हो जाएगी, एम्पलीट्यूड के बराबर हो जाएगी, तो मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम कहते हैं जब डिस्टेंस जीरो होता है मीन पोजीशन से, या ऑब्जेक्ट मीन पोजीशन पर होता है, तो उस वक्त बेटा एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो होता है, और एक्सट्रीम पोजीशन पे डिस्टेंस मैक्सिमम होता है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होता है, और इसकी डायरेक्शन एक्सेलरेशन की हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7.7, व्हाट इज मीन्ड बाय फेज एंगल। बेटा फेज एंगल क्या होता है? डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स? क्या ये एंगल जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स के दरमियान होता है? तो पहले तो डेफिनेशन इसकी लिखनी है। जो फेज एंगल होता है थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू मेगा टी प्लस फाइव, इट स्पेसिफाइज द डिस्प्लेसमेंट एज वेल एज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिस्प्लेसमेंट का फार्मूले में है ना कि एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ये जो मेगा टी प्लस फाइव जो है थीटा है साइन थीटा, ये डिफाइन करता है भाई डिस्प्लेसमेंट को, कितना दूर है मीन पोजीशन से ऑब्जेक्ट, और उसके साथ साथ उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन को भी डिफाइन करता है कि ऑब्जेक्ट किस तरफ को जा रहा है, वो एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है या मीन की तरफ वापस आ रहा है। और अगला जो पार्ट है इसका, डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स? नहीं, ड्राइविंग फोर्स बेटा वो जो हमने ड्राइवर हार्मोनिक ऑसिलेटर वगैरह पढ़ा, जो बाहर से फोर्स लगती है उसको ड्राइव करती है सिस्टम को बार बार एक्सटर्नल फोर्स, क्या उसके दरमियान और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान होता? नहीं, ऐसा नहीं है। इट डज नॉट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड ड्राइविंग फोर्स, तो मेन पोजिशन के साथ हम इसको कंसिडर करते हैं, ये ड्राइविंग फोर्स के साथ एंगल नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 7.8, इसमें हमें कहता है कि अंडर व्हाट कंडीशंस डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट व्हिच इज आल्सो सिंपल हार्मोनिक। क्या कंडीशंस है कि दो मोशन आर सिंपल हार्मोनिक मोशंस, उनको ऐड करें तो नई सिंपल हार्मोनिक मोशन बन गए, तो उसकी क्या कंडीशन है? तो कंडीशन ये है कि इफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस हैव सेम फेज एंगल, अगर उनका फेज एंगल सेम है तो जो मोशंस है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन बनाएगी, अगर फेज एंगल सेम है, या हम कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस उनका कांस्टेंट है, और उसके अलावा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड बी पैरेलल, अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है वो पैरेलल होंगी तो फिर जो है जो उनका रिजल्टेंट है वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा, ऐसे ही सिंपल हार्मोनिक मोशन शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो हम बीएससी लेवल पे इस तरह की मैथमेटिक्स करते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम ऐड करते हैं ज़्यादा सिंपल हार्मोनिक मोशन को, तो उसके लिए ये कंडीशन होती हैं कि वो पैरेलल होनी चाहिए, सेम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, और कॉन्स्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए।
नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 7.9 आपके स्मार्ट सिलेबस में आई थिंक शामिल नहीं है, लेकिन ये बेसिक क्वेश्चन है। इसको हमने वैसे तो पढ़ा तो हुआ है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कहता है कि एक्सेलरेशन जीरो होता है जब वेलोसिटी ग्रेटेस्ट होती है, और वेलोसिटी जो है जीरो होती है जब एक्सेलरेशन ग्रेटेस्ट होता है। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के फार्मूले तो हमने पढ़े हुए हैं, आप इनको याद तो करेंगे। वेलोसिटी इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर रूट, और एक्सेलरेशन होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। जब एक्स जीरो होगा, इस टर्म एक्स जीरो पुट करो तो वेलोसिटी आ जाएगी वी इज इक्वल टू ओमेगा एक्स नॉट, और इधर एक्स जीरो पुट करो तो ए जीरो। तो ये बात ठीक है, वेलोसिटी मैक्सिमम, एक्सेलरेशन जीरो, और एक्स को एक्स नॉट के बराबर रखो एक्सट्रीम पोजीशन पे, एक्स नॉट माइनस एक्स नॉट जीरो हो गया तो वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इस फार्मूले में एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिखो तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर जो 10 है, ये भी आपके सिलेबस में शामिल नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये शामिल है। एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन करती है उसके लिए टोटल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन बनाओ। तो आप रिलेशन लिख दो सिंपली कि आपको पता है कि मीन पोजीशन पे एक्स की वैल्यू जीरो होती है। पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फार्मूला था हाफ के एक्स स्क्वायर इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी का। एक्स की वैल्यू जीरो लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी मीन पोजीशन पे। काइनेटिक एनर्जी इंस्टेंटेनियस का फार्मूला हमने लास्ट टाइम बनाया था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर वन माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट स्क्वायर। और अगर आप मीन पोजीशन की बात करो तो एक्स जीरो पुट कर दो, ये फार्मूला हमने बनाया था, काइनेटिक एनर्जी हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो मीन पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे तो हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर ही आता है। तो मीन पोजीशन पे आप इस तरह टोटल एनर्जी को लिख सकते हैं, ऐसी एक्सट्रीम पोजीशन पे भी आप लिख दें। एक्सट्रीम पोजीशन पे एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिखो, पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले में एक्स नॉट लिख दो, काइनेटिक एनर्जी के फार्मूले में भी एक्स की जगह पे एक्स नॉट लिखो, एक्स नॉट से एक्स नॉट कैंसिल, वन बचा वन माइनस वन जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम। तो एक्सट्रीम पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है और मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो ये टोटल एनर्जी तो फिर आपके एक्स नॉट स्क्वायर इंस्टेंटेनियस पोजीशन कोई भी है एक्स वैल्यू पे, आपके पास इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल एनर्जी को इंस्टेंटेनियस काइनेटिक एनर्जी में ऐड करो, ये भी हमने मालूम किया था, सॉल्व भी किया था, तो फिर भी क्या आया था, हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर। तो इस तरह आप इसको लिख के बता दो कि हमें ये पता चलता है कि एनर्जी जो है ऑसिलेट करती है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज के दरमियान, लेकिन टोटल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट रहती है और उसकी वैल्यू हाफ के एक्स नॉट स्क्वायर होती है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन है 7.12, कहता है कि डिस्क्राइब सम कॉमन फिनोमेना इन विच रेजोनेंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल। लास्ट लेक्चर में ही हमने कुछ फिनोमेना पढ़े हैं जिनमें रेजोनेंस अपना काम करती है। जैसे हमने ट्यूनिंग ऑफ रेडियो की बात की, कि हमने कहा रेडियो को ट्यून करना है तो हम उससे फ्रीक्वेंसी को ही चेंज कर रहे होते हैं, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर को हम चेंज करते हैं, और जब वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसीवर जो है वो ट्रांसमिटेड फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाती है तो रेजोनेंस हो जाती है और एम्पलीफाई हो जाता है, वो सिग्नल जो है वो एम्पलीफाई होकर आपको सुनाई देना शुरू कर देता है। इसके अलावा बेटा माइक्रोवेव ओवन जो है वो भी माइक्रोवेव्स यूज होती है, उसमें 2450 मेगाहर्ट्ज़ की और वेवलेंथ होती है 12 सेंटीमीटर की, वो अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है। वाटर मॉलिक्यूल्स और जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनके वाइब्रेशनल एम्पलीट्यूड जो है वो इतना ही होता है, उनकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी 2450 मेगाहर्ट्ज़ होती है, तो उनके साथ रेजोनेंस की वजह से ये फ्रीक्वेंसी अब्सॉर्ब होना शुरू हो जाती है और बहुत जल्दी जो है वो फूड को हीट अप कर देती है। ऐसे ही कहता है कि इन ऑर्डर टू रेज द स्विंग टू ग्रेट हाइट, स्विंग जो है झूला है उसको हाइट तक ले जाना है तो आप उसको बार बार पुश करते रहें, तो पुश करते रहोगे सेम डायरेक्शन में तो उससे क्या होगा, तो भी रेजोनेंस होती रहेगी और उसके साथ साथ एम्पलीट्यूड बढ़ता रहेगा। और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं जैसे ड्रम्स वगैरह हैं और उनमें एयर कॉलम्स रेजोनेट करते हैं, एयर रेजोनेट करती है इन वुडन बॉक्स और इन स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स, ये हम बीट्स का कंसेप्ट पढ़ेंगे 8वें चैप्टर में, तो वहाँ पे भी हम देखेंगे कि इंस्ट्रूमेंट जो है स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे सितार है गिटार है इस तरह के, और उनमें भी रेजोनेंस होती है फ्रीक्वेंसी की और म्यूजिक वगैरह जो है आप उसमें से बनाया जाता है। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 30, मैस ऑफ
if a mass spring system is hung vertically and is set to oscillations, why does the motion eventually stop? मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आपने उसको ऑसिलेट करवा दिया थोड़ी देर के बाद वो रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्सेस है, फ्रिक्शन है और एयर रेजिस्टेंस भी है, इसकी वजह से एनर्जी लॉस होता रहता है। एनर्जी लॉस होते होते क्या होता है कि वो जो सिस्टम है वो जो इवेंचुअली स्टॉप हो जाता है। व्हेन इट ऑसिलेट्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्सेस, एनर्जी इज डिसिपेटेड इनटू हीट एंड फाइनली इट स्टॉप्स। तो फ्रिक्शनल फोर्सेस में एनर्जी यूज हो जाती है, उस वजह से सिस्टम जो है वो रुक जाता है। ट्रेडिशनल शार्ट क्वेश्चंस भी हैं, इनसे मिलते जुलते जैसे बोर्ड्स में आए भी हुए हैं पेपर्स में। राइट थ्री यूजेस ऑफ सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम के तीन यूजेस बताएं। तो पहला चैप्टर जो है उसमें हम सीखते हैं कि भाई ये जो सिंपल पेंडुलम है ये रेपिटेटिव फिनोमेना जो है, जो फिनोमेना रिपीट होता है उसको स्टडी करने के लिए सिंपल पेंडुलम जो है वो यूज़ होता है। ऐसे ही कहता है कि इट इज़ यूज टू स्टडी इक्विलिब्रियम, और उसके अलावा इट इज़ यूज टू स्टडी ऑसिलेटरी मोशन। ऐसे ही उसके बाद कहता है हाउ रेजोनेंस इज प्रोड्यूस्ड इन ट्यूनिंग रेडियो सेट। रेडियो सेट की ट्यूनिंग में रेजोनेंस कैसे अपना रोल प्ले करती है, तो ये अलग से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, इसको आप पढ़ लें। उसके बाद है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होती है। तो हमें पता है कि ऐसी मोशन जिसमें एक्सेलरेशन जो होता है बॉडी का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मीन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है और उसकी डायरेक्शन मीन पोजिशन की तरफ होती है। फ्रिक्वेंसी और टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या है और इनका रिलेशन क्या है। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कंप्लीटेड इन वन सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, और टाइम पीरियड क्या होता है, तो टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, और इनका रिलेशन क्या है कि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। व्हाट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड्स पेंडुलम। बेटा सेकंड्स पेंडुलम वो होता है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। टाइम पीरियड 2 सेकंड लिख लो तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 1/T, 1/2 तो 0.5 हर्ट्ज। ऐसे ही कहता है कि व्हाई सोल्जर्स आर एडवाइज्ड टू ब्रेक देयर स्टेप्स व्हाइल मार्चिंग ऑन अ ब्रिज। सोल्जर्स को क्यों कहा जाता है कि स्टेप्स ब्रेक कर लो, तो वो इसलिए कहा जाता है ताकि कहीं रिदमिक मार्च की वजह से रेजोनेंस ना हो जाए और जो ऑसिलेशंस हैं वो डेंजरसली लार्ज एम्पलीट्यूड की ना हो जाए और ब्रिज कहीं ब्रेक ना हो जाए, उससे बचने के लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी लीनियर फ्रीक्वेंसी इसको हम कहते हैं, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन वन सेकेंड इज कॉल्ड लीनियर फ्रीक्वेंसी। और ऐसे ही एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है हमने कहा था कि ये सर्कुलर मोशन की प्रॉपर्टी है, रोटेशनल मोशन की प्रॉपर्टी है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ रोटेशंस ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रेट ऑफ रोटेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है, रेट ऑफ रोटेशन भी कह सकते हैं यूनिट टाइम में कितने रोटेशन होते हैं। तो इसको हम ओमेगा को लिखते हैं 2π/T। अगर एक ऑसिलेशन कंप्लीट होती है तो हम एंगल, आपको पता है 2π कवर होगा एक ऑसिलेशन का, एक चक्कर का, एक सर्कल का, एक साइकिल का जो एंगल होता है वो 2π होता है, 360 डिग्री होता है, उसको आप डिवाइड कर दें टाइम पीरियड पे, क्योंकि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगता है टाइम पीरियड के बराबर। तो आप ओमेगा को फिर लिख सकते हैं 2π/T, और 1/T की जगह पे बेटा आप एफ भी लिख सकते हैं, तो ओमेगा बराबर 2π/F भी हो सकता है। तो लीनियर और एंगुलर फ्रीक्वेंसी को आप रिलेट भी कर सकते हैं। तो ये था जी आज का लेक्चर, शॉर्ट क्वेश्चंस को सिंपली हमने डिस्कस किया, जो कि हमने थ्रू आउट द चैप्टर हमने जितने भी टॉपिक्स पढ़े हैं उनसे रिलेटेड ही ये चीज़ें थी। ये बहुत ईजी था आपके लिए, इसको आप तैयार कर लें। अल्लाह हाफिज़।